हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा। आई हैव ब्रिंग द होल सिलेबस ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर ऑल टाइप ऑफ यूपीएससी एग्जाम। आपके अनुरोध पे बच्चों, आप जितना लाइक कर रहे हो, जितना शेयर कर रहे हो, जितना सब्सक्राइब कर रहे हो, उससे मेरा उत्साह डबल हो गया है। तो अभी हमने बायोलॉजी में 4-5 लेक्चर मैं लेके आया हूँ, जिसमें न्यूट्रिशन कंप्लीट पूरा हुआ है। सेल आज बहुत मैक्सिमम हद तक पूरा हो जाएगा। सेल का टॉपिक वी विल फिनिश टुडे इटसेल्फ। तो इसमें आपको एनडीए, सीडीए, सीएपीएफ, एफकैट, सिविल सर्विसेज, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ऑल टाइप ऑफ एसएससी एग्जाम सब कुछ कवर हो रहा है। दिस इज जनरल साइंस फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसका मैं सीरीज लेके आया हूँ। सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का जितना मेरा 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एंड यू शुड लाइक इट, स्प्रेड इट एंड सब्सक्राइब इट। मोस्ट ऑफ यू पीपल गेट बेनिफिटेड इफ यू सी इन सीरीज। अगर पूरा कंटेंट आप देखेंगे तो आपको किसी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं भी क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन देखें। तो सेल का टाइप हमने किया है, ओरिजिन ऑफ लाइफ किया है, एंड वी हैव डिस्कस्ड द प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन सब का कॉम्पिटेटिव स्टडी हमने किया है। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस टुडे ऑन द सेल ऑर्गेनेल, कोशिका के अंग, जिसको क्या कहते हैं, कोशिकांग। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। प्लांट एनिमल का कॉमन, यूकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल वी हैव डन। ओके, अब आ जाइए टूडेज क्लास, दैट इज फीचर ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले आ जाओ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है कि सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है, तो एक पॉलीसेक्राइड है। प्लांट इज वुडी ड्यू टू सेल वॉल। लकड़ी सख्त होता है सेल वॉल के चलते। इट प्रोवाइड शेप टू द प्लांट बॉडी। ठीक है, प्लांट का शेप साइज फिक्स्ड है ड्यू टू सेल वॉल। इसको बहुत अच्छा पॉइंट हमने दिया है कि द रोल प्लेड बाय स्केलेटन सिस्टम इन आवर बॉडी इज प्लेड बाय सेल वॉल एंड वैक्यूल इन द प्लांट सेल। जो काम हमारे शरीर में कंकाल तंत्र करता है, वही काम पौधों में सेल वॉल और वैक्यूल करता है। हमारे बॉडी में कंकाल तंत्र क्या करता है, तो इट गिव स्ट्रक्चर टू द बॉडी। स्केलेटन सिस्टम गिव स्ट्रक्चर टू द बॉडी। वी आर स्टार्ट ड्यू टू स्केलेटन सिस्टम। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं रहता तो केंचुए की तरह लोग रेंगते हुए चलते। तो स्केलेटन सिस्टम हमको स्ट्रक्चर भी देता है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है। प्लांट में इस तरह का ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो हार्ड होता है, और वही सेल वॉल में सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम हम लोग के बॉडी में नहीं है। ठीक है ना, जो कॉपर पेलो डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए हम लोग रफेज कहते हैं उसको, है ना, फाइबरस सब्सटेंस ऑफ द फूड को। तो दैट सेलुलोज प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट। ठीक है ना, वी हैव नो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, एंड कॉपर पेलो के अपेंडिक्स में होता है। ये सब हम डाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाइए वैक्यूल। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट ऑफ द प्लांट सेल इज डंप्ड इन वैक्यूल। प्लांट अपना सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जाके वैक्यूल में डंप कर देता है। फूड इज ऑल्सो स्टोर्ड इन वैक्यूल। उसी वैक्यूल में फूड भी स्टोर होता है। वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल को टर्जिड कौन बनाता है, वैक्यूल। अगर हम चना को पानी में रात में डाल दें, तो पानी में डालने के बाद चना क्या है, तो फ्लैसिड। When the cell occupies little amount of water, then it is called flaccid. And when it swell up, it obtain maximum amount of water, then it becomes turgid. So vacuole provide turgidity to the plant cell. Vacuole plant cell को turgid बनाता है, अंदर से फुला हुआ, तना हुआ रखता है, है ना, तो shape भी देगा। That is function of cell wall and vacuole we have discussed. उसके बाद आ जाओ बेटा इस photograph पे discuss करेंगे plastids. प्लांट सेल का एक बहुत मेन खासियत हमने बताया था कि मेन पॉइंट था कि प्लांट सेल है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स इज ऑफ थ्री टाइप्स। प्लास्टिड तीन तरह का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्टिड। क्लोरो मतलब ग्रीन,
chloroplast. The chloroplast is green plastids. It is green in color and its color is due to chlorophyll. Chlorophyll ek pigment hota hai. Pigment kya hota hai? Pigment is a substance which give color to other substance. Pigment is a substance which give color to other substance. वर्णक वो वस्तु होता है जो दूसरे वस्तु को रंग प्रदान करता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल के चलते प्लांट ग्रीन होता है। हम लोग के बॉडी में कलर, दैट इज ब्लड में कलर पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। तो ग्रीन प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और उसमें क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोफिल के सेंट्रल एंड टॉप में मैग्नीशियम होता है, जैसे हम लोग के हेमोग्लोबिन में आयरन होता है वैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। फोटोसिंथेसिस पूछा जाएगा कहाँ पे होता है बच्चों, तो आंसर क्या होगा कि ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर लीफ ग्रीन है तो होगा, लीफ ग्रीन नहीं है तो नहीं होगा। अगर स्टेम ग्रीन है तो स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। जब पतझड़ आता है, जब पत्तियां झड़ जाती है तो स्टेम में ही टेंडर स्टेम जो ऊपर सबसे टॉप में होता है ग्रीन होगा, वहां फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद आ जाओ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मतलब कलर, क्रोमोप्लास्ट इज कलरफुल प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट इज कलरफुल प्लास्टिड, इट इम्पार्ट कलर टू द प्लांट बॉडी या पौधे को रंग प्रदान करता है। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज कलरफुल ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। पौधे का कोई भी हिस्सा रंगीन है तो क्रोमोप्लास्ट के चलते। अगर मान लो कि टमाटर का कच्चा है तो टमाटर का रंग हरा है, टमाटर का रंग ग्रीन है। When tomato ripen it become red, तो it means the chloroplast has converted into chromoplast. Chroma means color. Chromatography हम लोग केमिस्ट्री में करेंगे। ओके, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मीन्स कलरलेस प्लास्टिड्स। जैसे WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, उसी तरह ल्यूको मतलब कलरलेस प्लास्टिड है। इट इज कलरलेस प्लास्टिड एंड इट अकर इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे के अंडरग्राउंड हिस्से में पाया जाता है एंड इट हैज स्टोरेज इन फंक्शन। ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो ल्यूकोप्लास्ट इज ऑफ थ्री टाइप्स, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा, इलायोप्लास्ट फैट इज स्टोर्ड इन इट, एंड एलिरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर इन इट, है ना। कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन स्टोर होता है इसमें। उसके बाद मैंने बेटा ये डायग्राम अभी स्किप किया था, मैं बता दूं कि यही है क्लोरोप्लास्ट जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो आप देखिए कि ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है 1 to 2 पर, एक से ऊपर नीचे तीसरा चौथा, ये 100 to 200 पाइलअप होता है एक के ऊपर दूसरा। एक को कहते हैं, एक स्टैक को बोलते हैं थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड कैरम गोट की गोटी की तरह होता है, उसको कहते हैं थाइलेक्वाइड। और सारे जब 100 to 200 थाइलेक्वाइड एक दूसरे पर पाइलअप है तो उसको बोलेंगे ग्रैनम। ग्रैनम और दो ग्रैनम को जो मिला रहा है उसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमली, ठीक है। तो ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा जो इसका बैकग्राउंड है उसमें डार्क रिएक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोसिंथेसिस इज टू रिएक्शन, द एंजाइम फॉर रिस्पांसिबल फॉर लाइट रिएक्शन प्रेजेंट इन ग्रैनम, द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये डबल मेम्ब्रेन है, इसका अपना सर्कुलर डीएनए है, इसमें 78 राइबोसोम है। माइंड इट, इसको हम आगे चल के बहुत इंफेसाइज करने वाले हैं। हम क्लोरोप्लास्ट का तीन प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसका अपना सर्कुलर डीएनए है, इसमें 78 राइबोसोम है और ये डबल मेम्ब्रेन है और ये अपना मैक्सिमम कुछ प्रोटीन खुद सिंथेसिस कर लेता है। क्लोरोप्लास्ट हैज डबल मेम्ब्रेन, इट हैज सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल, इट हैज 78 राइबोसोम जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट हैज डबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, प्लांट सेल एनिमल सेल का डायग्राम हमने डिस्कस किया हुआ है आपके पिछले क्लास में। आई हैव दैट इज अगेन प्रोवाइड यू फॉर द सेक ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, अगर कहीं जरूरत पड़ेगा तो इसका रेफरेंस हम लोग लेंगे। अब आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, सब बच्चों को पता है ये। मैक्सिमम कंपटीशन के बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं?
तो बिकॉज द फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया विच रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. भोजन का अंतिम रूप से ऑक्सीकरण कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना. जब हम लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे रेस्पिरेशन का दो स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल. ग्लाइकोलाइसिस कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक प्रोसेस है. तो फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, अगला टॉपिक आ जाओ. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल. कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं बिकॉज इट रेगुलेट ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द सेल. कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण दैट इज न्यूक्लियस से होता है. ऑल फंक्शनिंग ऑफ द सेल इज रेगुलेटेड बाय न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल. इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. इनसाइड न्यूक्लियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज देयर कॉल्ड क्रोमोसोम, है ना. दैट इज न्यूक्लियस के अंदर धागेदार संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम. जिसको क्रोमेटिन फाइबर पहले कहते हैं, बाद में वो थिकन हो जाता है तो उसको कहते हैं क्रोमोसोम. डीएनए इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए. एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन. डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या है? जीन है. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए अनुवांशिक गुणों का वाहक है. There are 25,000 to 30,000 gene occur in our body. हमारे शरीर में लगभग 25 से 30,000 जीन पाए जाते हैं. पहले हम लोगों को पता था कि 60 से 70,000 जीन पाए जाते हैं. But Human Genome Project, which came in 2003, उसमें ये पता चला कि नहीं, हमारे बॉडी में 25 से 30,000 जीन है. And there are 23 pairs chromosome occur in our body. 23 pair chromosome होते हैं. 23 mother की तरफ से आता है, 23 father की तरफ से आता है. टोटल नंबर हो जाता है 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना. अब क्वेश्चन आएगा आपको, जितना आपको टॉपिक है उतना ही डिस्कस करना है कि व्हेन क्रोमोसोम कुड बी सीन बेस्ट. कोशिका विभाजन के सेल साइकिल के किस स्टेज में हम क्रोमोसोम को सबसे अच्छा देख सकते हैं? क्वेश्चन इज व्हेन क्रोमोसोम कुड बी सीन बेस्ट. आंसर इज ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, व्हेन इट शॉर्टन, थिकन एंड कम टू इक्वेटोरियल प्लेट. जब वो छोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है और न्यूक्लियस के बीचों बीच आ जाता है, जिसको इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं. ओके, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज प्रपोज बाई वाटसन एंड क्रिक. वाटसन एंड क्रिक दो दैट इज साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे. वाटसन वाज ए फिजिसिस्ट एंड क्रिक, इन दोनों ने, है ना, इन 1953 इन्होंने, है ना, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन दो फिजिसिस्ट थे, उनके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया. द वेरी फेमस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक वॉज देयर, दो फिजिसिस्ट का आया था, उसका इस्तेमाल किया इन दोनों ने. और इन्होंने क्या किया, उसका इस्तेमाल करके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज किया. दे प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1953. दैट्स व्हाई द वाटसन क्रिक एंड मॉरिस विल्किंस, वाटसन क्रिक एंड मॉरिस विल्किंस गॉट द नोबेल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 1962. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डीएनए दैट इज एनडीए. एनडीए का क्वेश्चन है बेटा, एक एक क्वेश्चन अंदर से आएगा. अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे यू विल गेट बेनिफिटेड, है ना. अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको खाली एक एक, एक कोरम रहेगा कि हमने टॉपिक पढ़ लिया है. नो, यू हैव टू गो थ्रू दिस फाइन डिटेल. तीन साइंटिस्टों का काम है, चार साइंटिस्टों का काम है, वाटसन का, क्रिक का, मॉरिस विल्किंस का, रोजालिन फ्रैंकलिन का. तो रोजालिन फ्रैंकलिन को छोड़ के मॉरिस विल्किंस, वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला 1962 में फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर, सीनीनुमा स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर. डीएनए इज मेड अप ऑफ थ्री मेन टाइप, द मेन दैट इज कंपोनेंट. एक है पेंटोज सुगर, पेंटोज 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर. एक है फॉस्फोरिक एसिड और तीसरा है नाइट्रोजनस बेसिस.
DNA is made up of pentose sugar, phosphoric acid and nitrogenous bases. ओके नाइट्रोजनस बेसिस देखो बेटा नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं एक को कहते हैं प्यूरीन एक को कहते हैं पायरामिडीन एक प्यूरीन जो होता है वो डबल रिंग नाइन मेंबर स्ट्रक्चर है पायरामिडीन सिक्स मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है प्यूरीन में दो होता है एडिनिन ए से एडिनिन जी से गुआनिन और पायरामिडीन में दो होता है सी से साइटोसिन टी से थायमिन तो ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के पार्ट है और आरएनए में थायमिन के जगह पे एक दूसरा दैट इज नाइट्रोजनस बेस होता है जिसको कहते हैं यूरेसिल यूरेसिल डिनोटेड बाय यू तो जैसा मैं बता रहा हूं कि प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर है नाइन मेंबर्ड है और पायरामिडीन सिक्स मेंबर्ड वन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो एक प्यूरीन दूसरे पायरामिडीन से दूसरा प्यूरीन दूसरे पायरामिडीन से जाकर जुड़ता है ना ए हमेशा टी से जी हमेशा सी से जुड़ता है और इससे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो बेटा ए टी से जुड़ेगा जी सी से जुड़ेगा ए ऑलवेज कंबाइंड विद टी जी ऑलवेज कंबाइंड विद सी ए से एडिनिन टी से थायमिन ए टी से जुड़ेगा ए टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा और जी सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा दिस इज द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये दो आर्म है जैसे डीएनए ये है थ्री प्राइम फाइव प्राइम इधर क्या होगा थ्री प्राइम फाइव प्राइम एंटी पैरेलल डीएनए होता है थ्री प्राइम फाइव प्राइम का क्या मतलब कि पांचवें नंबर थ्री थर्ड नंबर प्राइम दैट इज कार्बन एटम यहाँ पे प्री है इधर पांचवा प्री है जिसमें फॉस्फोरिक एसिड है इधर थ्री थ्री एंड प्री है तो इधर फाइव एंड प्री है तो इसको एंटी पैरेलल कहते हैं है ना हमेशा ए टी से जी सी से कंबाइन होगा और आपको ए टी और जी सी के बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और यहाँ सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट का बैकबोन है जिसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड होता है जिसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं और ये सुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है थ्री बॉन्ड इज देयर इन द डीएनए डीएनए में तीन बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज दोनों नाइट्रोजनस बेस के बीच में है ना दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है तुमको फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज सुगर के बीच में और एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज सुगर के बीच में ठीक है और ये एक एक तुमको डबल रिंग एक सिंगल रिंग है ना एडिनिन दैट इज प्यूरीन जो है वो डबल रिंग है पायरामिडीन सिंगल रिंग है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 एंगस्ट्रॉम बना रहता है 20 एंगस्ट्रॉम बना रहता है ये आर्म को हम 3.5 कहेंगे इसको 3.5 इधर से कहेंगे एंटी पैरेलल होता है और जो तुम्हारा पिच है मतलब एक दैट इज यहाँ पे जो स्पाइरल स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखो है ना एक ये माइनर ग्रुप है ये मेजर ग्रुप है ना ये मेजर ग्रुप है ये माइनर ग्रुप है तो एक पिच जो होगा एक हेलिक्स का यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम वन पिच का डिस्टेंस कितना है ना वन स्पाइरल का डिस्टेंस कितना है चाहे तुम ये माइनर ग्रुप से माइनर ग्रुप ले लो मेजर ग्रुप से मेजर ग्रुप ले लो या यहाँ स्पाइरल का एंड से यहाँ से ले लो कितनी दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम दैट इज टोटल डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम 34 is strong है और इसमें 10 nitrogenous bases होते हैं 10 nitrogenous bases between one spiral में 10 nitrogenous bases होते हैं 10 pair तो इसका मतलब दो successive nitrogenous base के बीच की दूरी कितनी है 3.4 angstrom दो successive nitrogenous base के बीच में दूरी कितनी है 3.4 angstrom क्योंकि यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पेयर नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा तो पेंटोज सुगर फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस का ये बना होता है डीएनए एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक गुणों का वाहक है मदर फादर से इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन तक यही लेके जाता है ठीक है ना तो हम लोगों ने पूरा का पूरा इसमें डिस्कस कर लिया अब देखो बेटा प्यूरीन इज डबल रिंग नाइन मेंबर स्ट्रक्चर में बताया पायरामिडीन इज सिंगल मेंबर सिंगल रिंग सिक्स मेंबर स्ट्रक्चर है एडिनिन ऑलवेज कंबाइंड विद थायमिन गुआनिन ऑलवेज कंबाइंड विद साइटोसिन एंड इन आरएनए यूरेसिल इज देयर इन प्लेस ऑफ थायमिन ऑल थिंग हैज बीन रिटेन
है ना, उसके बाद 1959 में फ्रांसिस क्रिक ने जब ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर दे दिया वाटसन क्रिक ने, उसके बाद फ्रांसिस क्रिक अलग से ही एक्सपेरिमेंट करने लगा, और 1953 में फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स। सेंट्रल डॉगमा, डॉगमा मीन्स बेसिक प्रिंसिपल, जेनेटिक्स का मूलभूत सिद्धांत दिया, विच स्टेट्स दैट द डीएनए मेक्स देयर ओन कॉपी, डीएनए हैज कैपेसिटी टू मेक इट्स ओन कॉपी। अगर डीएनए अपनी कॉपी खुद बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। व्हेन डीएनए मेक इट्स ओन कॉपी देन इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और डीएनए आरएनए बनाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए प्रोटीन बनाता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। डीएनए मेक्स इट ओन कॉपी कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए मेक्स आरएनए इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, RNA makes protein, it is called translation, and this whole process is called central dogma of genetics. Genetics का मूल भूत सिद्धांत क्या है कि genetic information go from DNA to DNA, DNA to RNA, RNA to protein. ये फ्रांसिस क्रिक का है, उसने कहा कि अब मेरे को कोई संदेह नहीं है कि genetic information DNA से DNA में जाता है, DNA से RNA में जाता है, RNA से protein. मतलब DNA dependent upon RNA for protein synthesis. DNA is called genetic material. First genetic material was RNA. सबसे पहला genetic material RNA था, बाद में उसमें modification होकर DNA बन गया। अब DNA ज़्यादा stable है, कम reactive है, तो DNA genetic material. Except some viruses. कुछ virus में RNA genetic material है, तो वहाँ पे RNA अपनी copy बना लाता था, तो normal RNA virus. और कुछ वायरस होते हैं कि आरएनए रिवर्स गियर में जाता है, आरएनए पहले डीएनए बनाता है और डीएनए उस आरएनए की कॉपी बनाता है, उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा रिवर्स। बाल्टमोर और टेमिन दो साइंटिस्ट थे, इसको खोजा था, तो उसके लिए उसके नाम पे कहा जाता है उसको टेमिनिज्म। टेमिनिज्म जब आरएनए डीएनए बनाने लगे तो उसको कहेंगे टेमिनिज्म। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो वायरस जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, रेट्रोवायरस है, ठीक है ना। तो डीएनए बनाता है अपनी कॉपी, डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है, और इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स। We have discussed at length बेटा पूरा का पूरा, ये सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। DNA makes copy of RNA called transcription, हम लोग कर चुके। RNA makes protein, that is called translation. But in some viruses, RNA makes DNA called reverse transcription or retrovirus. DNA is called the genetic material because it carry information from mother father to next progeny. In all organism except some viruses, which RNA is the genetic material. Difference between DNA and RNA, ajao. It is the genetic material in all living organisms except some virus. RNA is the genetic material in some viruses, example HIV. DNA is double helix. RNA is just single helix. Double helix hai, single helix hai. Ana, DNA ka full form hai deoxyribonucleic acid. RNA ka full form hai ribonucleic acid. डीएनए में चार नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए में क्या होता है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। डीएनए डिपेंडेंट अपॉन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। आरएनए कैन सिंथेसाइज प्रोटीन ऑन इट्स ओन। डीएनए इट इज द मोस्ट स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव, and more stable and less reactive. It is less stable and more reactive due to additional OH group, hydroxyl group present in the second prime carbon atom pe, dusre number ke carbon atom pe isme ek hydroxyl group hai, isliye zyada reactive hai, theek hai। RNA, there are three species of RNA occur in our body, hum log ke sharir mein teen RNA ki prajati pai jati hai। Ek hota hai mRNA, उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए बेटा। एक होता है टीआरएनए, जिसको क्या कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। और एक होता है आरआरएनए, दैट इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। थ्री स्पीशीज ऑफ आरएनए अकर इन आवर बॉडी, दैट इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए।
all three copy of RNA was made by DNA inside the nucleus. अब आ जाइए क्वेश्चन है कि मैं तुमको बता रहा हूं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन हैज टू बी सिंथेसाइज्ड एट एनी टाइम इज डिसाइडेड बाय डीएनए. डीएनए डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी में किसी भी समय में किस तरह का प्रोटीन का सिंथेसिस होना है. व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन हैज टू बी सिंथेसाइज्ड, इट इज डिसाइडेड बाय डीएनए. डीएनए डिसाइड करेगा. एक ग्रोइंग चाइल्ड है उसको अलग तरह का प्रोटीन चाहिए. एक लैक्टेटिंग मदर है उसको अलग तरह का प्रोटीन चाहिए. एक दैट इज प्रेग्नेंट लेडी है उसको अलग तरह का प्रोटीन चाहिए. एक तुमको हीलिंग पर्सन है उसको अलग तरह का प्रोटीन चाहिए. तो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड प्रोटीन अकर इन आवर बॉडी. व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन हैज टू बी सिंथेसाइज्ड, इट इज डिसाइडेड बाय डीएनए. डीएनए गिव कमांड टू आरएनए. मैसेंजर आरएनए को देता है कि जाओ इस तरह के प्रोटीन सिंथेसिस करके आओ. मैसेंजर आरएनए कंबाइन विद ट्रांसफर आरएनए सेल साइटोप्लाज्म में टीआरएनए जिसको एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं वहां पे टीआरएनए रहता है और वो एमआरएनए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बना लेता है. टीआरएनए का एक हिस्सा जाके दैट इज एमआरएनए से जुड़ता है, दूसरा हिस्सा जाके और एमिनो एसिड से जुड़ता है. यहाँ पे देखो बेटा जो सेल के अंदर जो होता है ना वो पुल होता है That is, यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लोट करता रहता है एमिनो एसिड्स. There are 20 different type of amino acids. 20 amino acids से हमारे बॉडी में हजारों हजार तरह के प्रोटीन बनते हैं. तो 20 amino acid different type में कंबाइन होगा. अब किस तरह का प्रोटीन सिंथेसिस होना है यहाँ से न्यूक्लियस से डीएनए कमांड देगा एमआरएनए को. एमआरएनए आएगा, एमआरएनए आके टीआरएनए से कॉम्प्लेक्स बना लेगा. एमआरएनए एंड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स. टीआरएनए का एक हिस्सा एमआरएनए से जुड़ गया और दूसरा हिस्सा एमिनो एसिड को कैच किया और एमिनो एसिड्स को जिस तरह का प्रोटीन का सिंथेसिस करना है उसको लेके आएगा और यहाँ पे आएगा दैट इज कहाँ पे तो राइबोसोम के पास. राइबोसोम कहाँ अटैच है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं है. तो यहाँ पे राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी. तो राइबोसोम भी इन्वॉल्व हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व हो गया, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए अटैच है. बहुत मेजर पॉइंट है. राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम से अटैच है, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, टीआरएनए 20 तरह के अमीनो एसिड है तो 20 अलग अलग तरह के टीआरएनए सेल साइटोप्लाज्म में है और जिस तरह का प्रोटीन सिंथेसिस होना है उसको लेके आएगा मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए ले आके टीआरएनए से जुड़ा, टीआरएनए फिर अमीनो एसिड लेके आया और तीनों आके आरआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस किए राइबोसोम पे और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता गया. तो ये होल प्रक्रिया एक साथ चलती रहती है. ओके तो अब आ जाओ. मैंने बताया कि 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड अकर इन आवर बॉडी. mRNA, tRNA and amino acid come to rRNA where they contribute in protein synthesis. Endoplasmic reticulum का बाजा function ये पूरा का पूरा protein synthesis का process हमने बता दिया ribosome में होता है. तो ribosome को protein की factory कहते हैं. We will see endoplasmic reticulum. It is of two type. We have discussed. One is called RER, rough endoplasmic reticulum. It is rough due to presence of ribosome. Discuss कर लिया. तो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर. क्लियर. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ इसलिए है कि वहां पे राइबोसोम अटैच नहीं है. फैट सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फैट्स है ये फैट एफएटी. फैट सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिटॉक्सिफिकेशन. ये एनडीए का क्वेश्चन है, एक दो साल एक साल पहले आया है कि व्हाट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो डिटॉक्सिफिकेशन बेटा आपको एनडीए सीडीएस सीएपीएफ पेप्टाइड आईएएस कोई भी देना है आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी सेल साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ के जाना है तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे. आपको खाली ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा. तो ये सब पढ़ लीजिए आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर लगेगा. जितने बच्चों को हमने पढ़ाया है जो हमारे प्लस के स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है. अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो दिस क्लास इज वेरी हेल्पफुल टू यू ऑन फॉर रिविजन ऑल्सो. ऑल पीपल कैन फॉलो दिस.
उसके बाद आ जाइए राइबोसोम. राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन राइबोसोम. राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उसमें राइबोसोम को दैट इज क्या कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री. गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट एजेंट. गॉल्गी बॉडी को ट्रांसपोर्ट एजेंट कहते हैं बिकॉज सिंथेसाइज मटेरियल इज पैकेज एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू गॉल्गी बॉडी. संश्लेषित पदार्थों की पैकेजिंग कहाँ पे होती है? गॉल्गी बॉडी में. गॉल्गी बॉडी ऑल्सो मेक लाइसोसोम. एसएससी का क्वेश्चन है ये, आपसे 10 साल 12 साल पहले आ चुका है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल को बनाता भी है और पैकेजिंग भी करता है. तो गॉल्गी बॉडी ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो लाइसोसोम को बनाता है और प्रोटीन फैट की पैकेजिंग भी करता है, ठीक है ना. उसके दो फेस होते हैं, गॉल्गी बॉडी के दो फेस होते हैं बेटा. यहाँ पे देखो डायग्राम में, एक होता है सिस फेस. गॉल्गी बॉडी का एक ये सिस, अगर न्यूक्लियस के साइड से देखें तो सिस फेस, जैसे सिस सतलज, ट्रांस सतलज, सिस यमुना, ट्रांस यमुना कहते हैं ना हम लोग. सिस मतलब इस पार, ट्रांस मतलब उस पार. तो अगर हम न्यूक्लियस के साइड से देखें तो ये सिस फेस है. ये सिस फेस कॉन्वेक्स होता है, ट्रांस फेस कॉनकेव होता है. सिस फेस को फॉर्मिंग फेस कहते हैं, ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस कहते हैं, क्योंकि सिस फेस से वेसिकल बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर निकल के आता है जो मटेरियल को पैकेजिंग करता है. और ट्रांस फेस में जाके उसका नाम पता लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है. द फाइनल दैट इज पोस्टिंग इज देयर फ्रॉम द ट्रांस फेस एंड बोथ फेस फंक्शन रेगुलेटेड मैनर. इन द सिस फेस दैट इज वेसिकल्स फॉर्म व्हिच व्हिच पैकेज द मटेरियल एंड ऑल्सो मेक द दैट इज लाइसोसोम. Lysosome is formed in cis form, cis phase, but the enzyme present in the lysosome come from ER, endoplasmic reticulum. ये तुमको that is CBI का question है, IB का intelligence bureau का question है, या CAPF में आ चुका है कि जो lysosome में enzyme होता है वो कहाँ से आता है. तो lysosome को बनाता तो Golgi body है, but enzyme आता है ER से, endoplasmic reticulum. बहुत important point है. तो अब आपको पता चल गया कि इसमें कैसे सिंथेसिस हो रहा है और पैकेजिंग हो रही है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट सिंथेसिस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया. राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं. गॉल्गी बॉडी का हो गया दोनों फेस. दिस वन इज सिस फेस है, ये सिस एस आई सी दैट इज सी आई एस सिस फेस है. ये ट्रांस फेस है, मैच्योरिंग फेस हमने बता दिया है ना, वो कनकेव होता है. अब आ जाइए लाइसोसोम. लाइसोसोम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग और सुसाइडल बैग. लाइसोसोम को पाचक थैली या आत्महत्या की थैली कहते हैं बिकॉज इट ईट द फॉरेन पार्टिकल एंड समटाइम बर्स्ट इटसेल्फ. लाइसोसोम को पाचक थैली या आत्महत्या की थैली कहते हैं क्योंकि बेकार की वस्तुओं को खा जाता है और कभी कभी खुद भी नष्ट हो जाता है. इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन लाइसोसोम. कोशिका के अंदर पाचन कहाँ पे होता है? लाइसोसोम में. अगर पूछा जाए कि हमारे बॉडी में कैसा पाचन होता है, इंट्रासेलुलर की एक्स्ट्रासेलुलर, आंसर क्या होगा? इंट्रासेलुलर, दैट इज हम लोग के बॉडी में कैसा डाइजेशन होता है. बच्चे गलत बताते हैं, मैं बता रहा हूँ. वी हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम लोग का एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. लेकिन अगर किसी कभी एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होने का मतलब एक्स्ट्रासेलुलर, लेकिन हमारे बॉडी में कभी अगर सेल के अंदर कोई अनवारंटेड सब्सटेंस फॉरेन पार्टिकल घुस गया तो उसका खात्मा कौन करता है? लाइसोसोम. इसलिए लाइसोसोम को हम लोग डाइजेस्टिव बैग और सुसाइडल बैग कहते हैं. सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कभी वॉर्न आउट पार्ट को खाते खाते खुद भी नष्ट हो जाता है. ये सेल के कभी वॉर्न आउट वियर आउट पार्ट को खाएगा और खुद भी नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग. डाइजेस्टिव बैग इसलिए कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, अनवारंटेड सब्सटेंस सेल में कुछ जाएगा तो इस लाइसोसोम में सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो उसका खात्मा कर देते हैं, है ना. द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम कम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा. अब इसको मैं फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों को क्या कहते हैं हम लोग? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, अर्धशासी कोशिकांग. व्हाई? तो बिकॉज दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड दिस दे कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन.
इनका अपना डीएनए होता है और ये कभी कभी अपना प्रोटीन खुद सिंथेसिस कर लेते हैं, ये डीएनए न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, है ना, अर्धशासी कोशिकांग, पूरा पूरा डीएनए इसमें न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट नहीं है, इनका सर्कुलर डीएनए है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर्ड एज सच टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल विच वर प्रीवियसली प्रोकैरियोटिक फ्री लिविंग सेल एंड दे समहाउ एंटर इन यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को ऐसा कोशिकांग माना जाता है जो पहले स्वतंत्र प्रोकैरियोटिक कोशिका था और किसी न किसी तरह यूकैरियोटिक सेल में पहुंच गया, दैट इज दे आर कंसिडर्ड एज सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, दे आर कंसिडर्ड एज सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, कोशिका के अंदर कोशिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हम आप कंक्लूजन कर रहे हैं आपका पूरे सेल का, ओरिजिन ऑफ लाइफ से जहां से मैंने शुरू किया था वहां से आप आ जाइए। प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले आया था, बैक्टीरियल सेल केम इनटू बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दिस अर्थ, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बैक्टीरिया का सेल खा पी के मोटा ताजा हुआ, व्हेन मैच्योरिया बैक्टीरियल सेल ग्रो मैच्योर बिकम लार्ज, सम बैक्टीरियल सेल बिकम लार्ज एंड दे बिकम कैनिबलिस्ट, दे ईट द अदर बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल ईट द बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरिया के सेल दूसरे बैक्टीरिया के सेल को खा गया, जो खाया वो मोटा ताजा होकर बड़ा हो गया एंड दैट डेवलप इन यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुआ है। तो एक जो बैक्टीरिया जो खाया दूसरे बैक्टीरियल को सेल को वो यूकैरियोटिक में बदल गया, तो अब उसके बॉडी में दूसरा सेल था जो प्रोकैरियोटिक था, तो अब डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, व्हेन द डिवीजन ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द मेनी दैट इज एंटिटीज देयर, तो डिवीजन ऑफ लेबर में माइटोकॉन्ड्रिया हैज बीन आस्क्ड टू डू द रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट हैज बीन आस्क्ड टू डू द फोटोसिंथेसिस, तो दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिस टू ऑर्गेनेल हैव डबल मेम्ब्रेन, माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग सुनिए ध्यान से कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, दोनों का अपना सर्कुलर डीएनए है एंड बोथ कंटेन देयर 70S राइबोसोम। ये तीनों प्रॉपर्टी प्रोकैरियोटिक सेल का है, प्रोकैरियोटिक सेल भी डबल मेम्ब्रेन था, प्रोकैरियोटिक सेल का अपना डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम है, तो ऐसा लगता है कि इस अर्थ में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक डेवलप हुआ और उसी यूकैरियोटिक सेल में दो बैक्टीरियल सेल हैं जो पहले फ्री लिविंग सेल थे, तो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर्ड एज सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसीडर्ड एज such type of cell organelle which were previously prokaryotic free living cell and they somehow enter in the eukaryotic cell. ये दोनों स्वतंत्र prokaryotic cell था, किसी तरह eukaryotic कोशिका में प्रवेश कर गया। So this is all about the comparative study of this field. अब आ जाए जाइए कि endomembrane system. There are four cell organelle. एक हो गया vacuole, दूसरा हो गया Golgi body, तीसरा हो गया endoplasmic reticulum, चौथा हो गया lysosome. ये चार सेल ऑर्गेनेल का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, दे फंक्शन इन कोऑर्डिनेटेड वे, तो देयर आर ओनली फोर सेल ऑर्गेनेल ना हु कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। तो पूछा जाएगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, तो वैक्यूल, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर सेल, That is plant cell, animal cell, prokaryotic, eukaryotic cell. हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कस किया। Any problem arises, then ask me. इसके बाद आपको मैं cell division एक topic बचता है कराऊंगा। Then we will discuss respiration. So this is all about the cell biology, beta. Like it, subscribe it, spread it. और आपके लिए मैं सारा GS का paper ला रहा हूँ। तो motivation मेरे को भी चाहिए। मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत लोग तो देख रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं उससे ज्यादा जो नहीं सब्सक्राइब किया उन्होंने देखा है ना, आवर्स उनके ज्यादा हैं, बट दे डिड नॉट सब्सक्राइब। इसको देख के सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ योर व्यूइंग दिस दैट इज ब्यूटीफुल स्लाइड। दिस इज अतुल सिन्हा।
Okay, I am that is hoping that you will must enjoy. Good luck. Thank you. Bye bye.